लुधियाना तो खबर है कि राहो रोड से टिप्पर ने एक नौजवान को कुचल दिता है। इलाका वासियों ने वड्डा जाम लाया। एक महीने अंदर है एक पंजवी मौत जिहड़ी उह दसी जा रही है। सो लुधियाना के राहो रोड से टिप्पर ने एक नौजवान को कुचल दिता। नेड़ले इलाका वासी काफ़ी परेशान ने, रोस भी चक्के उन्होंने प्रदर्शन किया। एक महीने के अंदर यह पंजवी मौत है, जिस तो बाद रोस प्रगटावा किया जा रहा है। प्रशासन तो सख्त कार्रवाई मंगी जा रही है। टिप्पर ने आखिरकार किहड़े हालात में इस नौजवान को कुच लिया, गलती किसकी सी, यह एक जांच का विषय है। पंजाब की पुलिस, लुधियाना की पुलिस इस पर जांच करेगी। पर पंजवीं मौत होने ही क्यों हुई है? पंज मौत हुण तक राहो रोड पर हो चुकी ने। की कोई सहूलत आम लोग मंग रहे ने, कारण की है? परत शर्मा इस खबर से जानकारी की सांझ पाउणगे। परत, लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? नौजवान की मौत हो गई, जिस तो बाद जिहड़ा वा इलाका निवासियों ने जिहड़ा धरना प्रदर्शन किया। जिस तो बाद तुहानूं दस्सदे कि पिछले एक महीने के अंदर जिहड़ी आ राहो रोड के अंदर जिहड़ी आ 304 मौतां जिहड़ियां हो चुकियां एक्सीडेंट, जिस तो बाद जिहड़े इलाके निवासियों ने धरना लाया सीगा ते मौके ते जिहड़ा पुलिस अधिकारी ते मैजिस्ट्रेट भी पुज्जे सीगे। ते तुहानूं दस्सदे पिछले तकरीबन 5 तों 6 घंटे जिहड़ा रोड नाल जाम ला के रख्या सीगा, जिस करके जिहड़ा यातायात काफ़ी किस्सा सामना करना पे, लोगों ने मुश्किल सामना करना पड़ा। पर हुण दी जे गल करिए तां लोगों का कहना है कि पिछले 50 साल तो जी राहो रोड जी सड़क है वो नहीं बने। अकाली दल की सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, हुण आम आदमी पार्टी की सरकार तो भी उम्मीदा सीगियां, पर आम आदमी पार्टी सरकार वालों हुण तक जिहड़ा इस सड़क का कोई हल नहीं किया गया। तो कितने ना कितने हुण दी गल करिए तो हुण जिहड़ा धरना चक दिता गया वा, पर फिर भी जो लोगों का काफ़ी रोष है जी। शुक्रिया परत जानकारी देने वास्ते।